प्रिय प्रशिक्षणार्थी, कल हमने अर्थ और प्रारंभ के बारे में जो बातचीत की थी, आज उससे आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और मनोविज्ञान के परिभाषाओं और प्रकृति के बारे में विचार करते हैं। इस संबंध में विविध विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। उन मतों के आधार पर सबसे पहले हमने रॉबर्ट बर्थ, मैकडूगल, वॉटसन, फ्रैंकलिन मर्फी, जेम्स ड्रेमर, कार्सनी क्रूक तथा क्रूक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनमें सबसे पहले प्रारंभ के आधार पर दी गई अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर वुडवर्थ महोदय ने बताया कि 16वीं शताब्दी में जिस मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के नाम से जाना गया था, उसी अर्थ को मनोवैज्ञानिकों ने बताया, उसी अर्थ को इन्होंने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, उसके पश्चात जो मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया उसे छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा, उसके पश्चात व्यवहार को अपनाया। यानी 20वीं सदी में जो व्यवहार से संबंधित बातें कही गई कि बिहेवियर और एक्सपीरियंस, इस आधार पर व्यवहार का विज्ञान कहा। इसी को आगे बढ़ावा देते हुए इन्होंने आचरण और यथार्थ का विज्ञान कहा। मैकडूगल महोदय ने यह कहा कि व्यक्ति का आचरण ही उसके व्यवहार का आकलन होता है। कौन कैसे काम करता है, क्या करता है, एक आदमी के आचरण के आधार पर ही यह हम आकलन कर पाते हैं कि वह उन्नत है या अवनत है, वह ऊंचाई की ओर अग्रसर होगा या पतन की ओर गति में चला जाएगा। यही यथार्थ का विज्ञान है। इसी के आधार पर हम यथार्थ एवं सत्यता का अवलोकन कर पाते हैं, जांच पाते हैं। व्यवहार का निश्चित अध्ययन, निश्चित से मतलब है कि व्यवहार कैसा है ये निश्चित कर लिया जाता है उसके आचरण के आधार पर, और यथार्थता उसी निश्चितता को व्यक्त करती है। यानी व्यवहार के आधार पर ही कौन क्या अपनाता है। हमारा जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, वह विविधताओं से बनी पड़ी है। और अगर हम यूँ कहें कि संस्कृत में जितनी भी वैल्यूज से संबंधित जो कथा कथन है, अगर हम कथाकथनों को और हमारे शास्त्रार्थों को उठाएं, तो हम देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्य का आकलन करें तो इस तरह से ये निश्चित सत्य, अहिंसा, धर्म, इन सब चीज़ों को जो यथार्थता जीवन में आती है, जो निश्चितता आती है, वो सब इन्हीं का व्यवहार और आचरण का ही प्रतीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बालक अनुसरण किया करते हैं, अपने किसी प्रसिद्ध अभिनेता का, किसी प्रसिद्ध नायक का, राजनीतिक नायक हो या खलनायक हो या अभिनेता हो, जीवन में कोई ना कोई किसी का अनुसरण करता है और उससे संबंधित उस वातावरण से उपस्थित यानी जीवित व्यक्ति के व्यवहार को अपने आचरण में उतारना और वातावरण के अनुकूल रह करके उनके प्रति अनुक्रियाएं करना, यही बात मर्फी महोदय ने भी कही है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं उसको अपने आचरण में प्रदर्शित करते हैं और वातावरण के अनुसार उसको दिखा प्रदर्शित करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। जेम्स ट्रेवर ने कहा है कि मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि मनुष्य भी, जैसा ऊपर मर्फी महोदय ने कहा कि जीवित व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, तो मनुष्य और पशु दोनों भी जीवित श्रेणी में आते हैं, उनके भी व्यवहार और अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कि अगर विज्ञान को उठाकर देखें तो किसी भी प्रकार के एक्शन और रिएक्शन उन्हीं में देखने को मिलते हैं। इसी तरह व्यवहार में किया गया कोई भी व्यवहार, चाहे वह प्रसन्नता के आवेग में किया गया हो या अत्यंत दुख की अवस्था में किया गया हो, वैसा और उससे उत्पन्न होने वाली अनुक्रियाएँ इसी को प्रदर्शित करती है जो मानव का व्यवहार होता है। जेम्स ड्रेवर के पश्चात कॉल्सनिक ने भी मानव व्यवहार का ही विज्ञान मनोविज्ञान को बताया है, और प्रो एंड क्रो ने भी मानव व्यवहार और उसके संबंधों को मनोविज्ञान के आधार पर प्रदर्शित करने का बताया है। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर जितने भी धार्मिक सीरियल्स चल रहे हैं, अगर हम उनका अवलोकन करें तो ये सारी परिभाषाएं जो मनोविज्ञान पर आधारित हैं, उसमें प्रदर्शित किए गए पात्रों के आधार पर अगर हम उनका अवलोकन करें, तो चाहे आप भगवान कृष्ण के पात्र को उठा लें या भीष्म पितामह के पात्र को उठा लें, अगर उन्होंने उनका जो आचरण है, चाहे वो भीष्म से प्रतिज्ञा संबंधित हो या सत्यवती के विवाह से संबंधित हो,
या फिर अन्य किसी जीवों से संबंधित हो, जैसे उनके जब उनका अज्ञातवास था, अज्ञातवास के दौरान जो उन्होंने योजनाएं बनाई और उस योजनाओं में पशुओं का जो सहयोग था, वह सहयोग और उनके द्वारा किया हुआ व्यवहार और उनकी अनुक्रियाएं, ये सब मनोविज्ञान के भी रूप को प्रदर्शित करती हैं। अब इन्हीं सबके आधार पर, इन सब आचरणों के आधार पर ही मनोविज्ञान की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है। मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, यह दो प्रकार से देखी जा सकती है, विधायक और नियामक, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ये सब यानी व्यक्ति का व्यवहार, यानी ऊपर जो लिखित परिभाषाएं हैं उस आधार पर अगर हम देखें तो ये किसका है, ये मानव व्यवहार और उसके संबंधों के ऊपर आधारित है, मनोविज्ञान। उसी आधार पर देखें तो व्यवहार कैसा हो सकता है, उसके संबंध कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नॉर्मेटिव भी हो सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर ये देखें तो व्यवहार को जो प्रमाणित करने वाले तथ्य हैं कि वो तथ्य कौन से हैं, उन तथ्यों के आधार पर उसका आचरण पॉजिटिव रहेगा या नॉर्मेटिव रहेगा, यही निर्धारित करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। उसको एक समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि व्यवहार को अगर बांधना संभव है तो हम मनोविज्ञान को भी बांध सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के न केवल बाह्य स्वरूप का बल्कि आंतरिक मनोदिशाओं का भी अध्ययन करवाता है, इसलिए समय सीमा में और अवधि में तो हम बांध ही नहीं सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है, वह सार्वभौमिक भी है, सार्वकालिक भी है, सर्वदेशीय है, शाश्वत है और परिवर्तनशील है। अगर इन सबके आधार पर देखें तो हम अभी वर्तमान में जो प्रदर्शित कार्य है उन कार्यशैलियों के आधार पर देखा जाए तो कोरोना वायरस का जो क्षेत्र है वो तो किसी एक क्षेत्र सीमा में संक्रमण बंधा हुआ नहीं है, वह एक वैश्विक संक्रमण का रूप ले चुका है। तो इसी तरह जो मनोविज्ञान है उस आधार पर, इस उदाहरण के आधार पर हम देखें तो मानव के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए वह उसका क्षेत्र भी व्यापक हो गया, सार्वभौमिक भी हो गया और सार्वकालिक भी हो गया, यानी किसी भी समय किसी भी उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, सर्वदेशीय है, सभी इसकी समस्याओं से अधिकांशतः है जूझ रहे हैं, परिवर्तनशील है, यानी इस आधार पर लिए गए जो निर्णय लिए जा रहे हैं वह समय और परिस्थिति के आधार पर परिवर्तनशील है। जैसे इन्होंने जो लिया कि अब कैसे कैसे आका जाए, किसी भी चीज़ को जब अगर हम कसौटी पर कसते हैं तो हमें यह देखना होता है कि विज्ञान क्या चाहता है, कि हमें संबंधित जो प्रामाणिकता चाहिए, वस्तुनिष्ठता चाहिए और तर्क सहित आंकड़े चाहिए कि यह सिद्ध है या नहीं है। जिस तरह कोर्ट में फैसले के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, इसी तरह आजकल तथ्यों को सिद्ध करने के लिए कथनों की आवश्यकता नहीं, प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसी आधार को ध्यान में रखते हुए कि मनोविज्ञान जो है वह एक विज्ञान है, यह कथन सत्य है या नहीं है, क्योंकि विज्ञान में जो भी कार्य होते हैं वो प्रयोग और सांख्यिकी आंकड़ों पर और विभिन्न प्रकार की विधियों के आधार पर उनका निरीक्षण अवलोकन आदि करने के पश्चात उनको देखा जाता है, यानी साइंटिफिक मेथड्स के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय ने 9 तारीख को 9:09 के लिए जो दीप प्रज्वलन का उदाहरण प्रस्तुत किया था और जनता का आह्वान किया था, उन्होंने यहाँ पर उसी सार्वभौमिक, सर्वदेशीय और शाश्वत सत्य का प्रदर्शित करने का और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे देश का मूल है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि हम हर परिस्थितियों में एक हैं, हम जाति और धर्म से बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर के इस बीमारी के इस संक्रमण से प्रभाव से को दूर करने का प्रयास करें। तो इसके लिए उन्होंने ये एक छोटा सा प्रयोग किया जिसका सभी ने अपने अपने तरीके से निरीक्षण किया और उसके आंकड़े इकट्ठे किए। उन आंकड़ों के एकत्रीकरण के पश्चात और अवलोकन के पश्चात यह जो भी तथ्य सामने आया, उन्होंने अगर हम देखा जाए तो लॉकडाउन का जो सर्वप्रथम आरंभ किया था
एक दिन फिर उन्होंने 7 दिन फिर उसके पश्चात धीरे धीरे नियमानुसार उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उससे संबंधित लगातार रूपरेखाएँ और उनके आंकड़ों और उनकी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें भी आई जिसमें विविध प्रसिद्ध हस्तियों ने और प्रसिद्ध चैनलों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और उन्होंने उन आरोप प्रत्यारोपों को उन घटनाओं को उन तथ्यों से प्रभावित हुए बिना जिन्होंने इसका अवलोकन किया था उनसे प्रभावित हुए बिना उनकी मनोवृत्तियाँ उन पर हावी नहीं हुई जो उन पर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगाए गए वरन उनको उन्होंने प्रामाणिक रूप से वस्तुनिष्ठ तरीके से बिना किसी राजनीति के किए और उनको हमारे सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया और प्रामाणिकता से जाहिर किया और उन्हें तथ्यों सहित स्पष्ट करने का प्रयास किया। फिर ये भविष्यवाणी की कि सिर्फ हमें इस लॉकडाउन को कम समय ये जो समय सीमा रखी हुई है इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये बहुत कम है इसे आगे बढ़ाएंगे तो ही दम है नहीं हमारे सारे प्रयासों का पानी फिर सकता है। इस बात की उन्होंने घोषणा की और जहाँ तक संभव है और ईश्वर की मेहरबानी है कि यह प्रयास आगे बढ़ा और महोदय मंत्री प्रधानमंत्री महोदय ने इसे आगे बढ़ाया और सर्वजन की सहमति से यह आगे बढ़ा। आज यह सार्वभौमिकता की ओर अग्रसर है और सभी इसके लिए प्रयासरत हैं, सभी अपने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आगे हम मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में चिंतन करेंगे।